सो ये गाइस कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में जो कि लोग मानते हैं एंड उन चीज़ों को फॉलो भी करते हैं, तो क्या है उनकी रियलिटी आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा। बट उससे पहले आज की वीडियो का लाइक टारगेट है 240 लाइक्स, तो यार पूरा करवा देना, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला मिथ जो लोग मानते हैं जिसको लेकर मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं कि पिंपल्स फ्रॉम मैस्टर्बेशन। जी हाँ कि भाई मैंने मैस्टर्बेशन करी मुझे पिंपल हो गए, तो साइंटिफिकली तो ये प्रूवन नहीं है कि मैस्टर्बेशन करने से आपके पिंपल होते हैं। बट अब कुछ लोग बोलेंगे कि आपने पुराने वीडियोस में तो बताया था कि हाँ होते हैं, तो अगर आपने वो चीज़ें ध्यान से सुनी होगी तो मैं हमेशा यही चीज़ कहता हूँ, चूँकि बहुत ज़्यादा लोग करते हैं दिन में दो दो तीन तीन बार लगे हुए पर डे का उनका ये रूटीन है कि भाई दो से तीन बार तो करना ही है, तो उन लोगों को ये होने लगती है। अब कैसे? क्योंकि मैस्टर्बेशन से हमारी बॉडी में थोड़ा वीकनेस आती है, थोड़ा न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, एंड थर्ड चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है। एंड डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होना एक रीज़न होता है हमारे पिंपल्स होने का अक्सर, क्योंकि खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता और डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो पिंपल एक्ने होने लगते हैं। तो ये चीज़ हमें डायरेक्टली हिट नहीं करती बट इनडायरेक्टली ज़रूर हिट करती है जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, वरना नॉर्मल लोगों के लिए तो नॉर्मल है यार। अब बात कर लेते हैं हमारे सेकंड मिथ के बारे में, जो कि बहुत सारे लोग ये चीज़ मानते हैं कि शेविंग करने से बीयर्ड आती है, विच इज टोटली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि आप रेजर अपनी स्किन के बाहर चला रहे हो, उससे आपके हेयर फॉलिकल्स नहीं बढ़ रहे, उससे आपके फॉलिकुलर पोर नहीं पड़ रहे, आपके बाहर जो स्किन के बाल हैं आपके सिर्फ वही कट रहे हैं, तो इससे बीयर्ड ग्रोथ बिल्कुल भी ज्यादा नहीं होती। अब प्रूफ के लिए मैं 3 साल से पिछले शेव करता हूं एंड हर एक दो दिन छोड़कर शेव करता हूं जिस दिन मुझे वीडियो बनानी होती है, तो मेरे साथ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। एंड अब जो लोग 14-15 साल के एंड वो बीयर्ड ग्रो करना चाहते हैं, तो मैं उन्हें यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपनी बीयर्ड को लाइन अप रखें। कैसे? जो भी हेयर से एक दो बड़े आ रहे हैं उन्हें सबको शेप में रखें, यानी कि सारे हेयर्स को बराबर रखें। आप ट्रिमिंग कर सकते हो उनके जो जो हेयर्स बड़े आ रहे हैं, ना कि उन्हें शेव करें। शेव करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा बियर्ड ग्रोथ होने का, तो इसीलिए उन्हें ग्रो होने दें। अब बात कर लेते हैं हमारे थर्ड मिथ के बारे में, जो कि अक्सर लोगों के दिमाग में बना हुआ है मोल को लेकर। एंड इसको लेकर आपको यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे कि भाई अपना मोल अगर आपको ठीक करना है तो आप वहां पर अगरबत्ती लगा लो, नेल पॉलिश लगा लो, अरे भाई फेस पे होगा तो पूरा जल जाएगा कहीं पर भी स्किन पर। सीधी सी बात है यार, ये एक कॉमन सेंस की बात है कि वहां पर आप अगरबत्ती नेल पॉलिश लगाओगे तो पूरा जल जाएगा, तो इसीलिए ये सभी चीजें कभी भी ट्राई ना करें। मोल आपका जो ठीक कर सकता है वो सिर्फ आपका एक सर्जन ही ठीक कर सकता है, आपके जो फ्लैट मोल होते हैं वो सभी चीजें, तो इसीलिए इन सभी चीजों में टाइम वेस्ट करने के बजाय कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, उससे बढ़िया है आप एक अच्छा सर्जन ढूंढें अगर आपको मोल की प्रॉब्लम है और वहां से जाकर उसे ठीक करवाएं। अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि बहुत सारे लोगों ने मिथ बना रखा है कि चाय पीने से काले होते हैं, चाय पीने से आपकी स्किन डार्क हो जाएगी। यहाँ पर हम किसी कलर की बुराई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये बता रहे हैं कि चाय पीने से क्या आपकी स्किन डार्क हो जाएगी। तो आप ये मेरी पिक्चर देखिए, ये मेरी अप्रोक्स 3 से 4 साल पुरानी पिक्चर है, एंड अभी मुझे देखिए तो मैं तभी भी उतनी चाय पीता था, अभी भी उतनी चाय पीता हूँ। और जो लोग इंस्टाग्राम पर कनेक्टेड है उन्हें पता है मैं कि चाय कितनी ज्यादा पीता हूँ, क्योंकि यार हम लोग पहाड़ी है, थोड़ा ज़्यादा ही चाय पीते हैं। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा चाय पीते हो तो आपको सोने में प्रॉब्लम हो सकती है, ये चीज़ मैं भी खुद फेस करता हूँ कि जैसे अगर रात को कभी चाय पी ली तो सोने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बट ऐसा कुछ नहीं होता कि आपकी स्किन चाय पीने से डार्क हो जाएगी, तो इसीलिए। एंड एक और चीज़, ज़्यादा कोई भी चीज़ हमारे लिए ख़राब ही होती है, तो बहुत ज़्यादा ना करें, आपकी जितनी लिमिट है उतना ही भैया कंट्रोल में रहे। सो बस गाइस इतना था आज की वीडियो में, ये थे हमारे आज की वीडियो के कुछ मिथ्स। एंड अगर आप और चाहते हो कि ये मिथ वाली वीडियोस में और लेके आऊँ तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, नए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।